जबलपुर में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही 7 दिवसीय गतिविधियों के अंतर्गत तीसरे दिन आज गुरुवार 3 नवंबर को जिले भर में साफ सफाई, सजावट एवं रंगोली के कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही इस अवसर पर ऐतिहासिक स्मारकों, महापुरुषों की प्रतिमा स्थलों एवं प्रमुख बाजारों में स्वच्छता के कार्यक्रम होंगे तथा भंवरताल उद्यान सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर 67 दीप प्रज्वलित किया जाएगा। जिले में स्वच्छता का मुख्य कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे ग्वारीघाट में हुआ। यहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं, जन समुदाय एवं शासकीय विभागों के सहयोग और श्रमदान से सिद्ध घाट की साफ सफाई की जाएगी। सभी शासकीय कार्यालयों में स्वच्छता एवं रंगोली निर्माण की गतिविधियां भी संपन्न होगी। विकासखंड स्तर पर भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक साफ सफाई एवं स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जबलपुर के ग्वारीघाट में आज गुरुवार को नगर निगम सदन अध्यक्ष रिंकोविच और डॉक्टर जितेंद्र जामदार के साथ नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल की उपस्थिति में सफाई स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। हमारे मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हमारे जन अभियान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी के मार्गदर्शन में और कलेक्टर महोदय डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देशन में जो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना था उसमें आज 3 नवम्बर को श्रमदान एवं स्वच्छता का कार्यक्रम जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, हमारे संभाग संयोजक महोदय श्री रवि बर्मन जी, स्वयं सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि, हमारे जन अभियान परिषद के सभी सदस्य और बड़ी संख्या में आम नागरिक सम्मिलित हुए और ग्वारी घाट के इस उमा घाट, सिद्ध घाट और नाव घाट यहाँ पर नगर निगम की टीम के साथ सफाई अभियान चलाया गया और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मैं सभी को पुनः शुभकामना देता हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग नर्मदा जी के और पूरे जिले के, पूरे प्रदेश के स्वच्छता और जन सहयोग से इसमें भागीदारी करें और जिससे कि हमारा प्रदेश और हमारे प्रदेश के सभी स्थान स्वच्छ और सुरक्षित रहें। प्रदीप तिवारी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जन अभियान परिषद। त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे। हमारी माँ नर्मदा ये जबलपुर की माँ है, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की माँ है और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमारे माँ की तबीयत को, माँ के स्वास्थ्य को ठीक और सुरक्षित रखना। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी नर्मदा पुत्र हैं। जैत का उनका जन्म है, उनके घर से नर्मदा जी की दूरी मुश्किल से 1 फरलांग है और इसलिए उनके मन में भी ये भाव बहुत प्रबल है कि माँ नर्मदा जी प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए, उनकी धारा अविरल बनी रहना चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश के समस्त नागरिकों से, पूरी जनता से उनका निवेदन है, उनका अनुरोध है कि पूरे शहर की स्वच्छता करें, अपने अपने गांव की स्वच्छता करें पर उसका प्रारंभ नर्मदा जी से करें। आज इस बात को ध्यान में रखते हुए जन अभियान परिषद, जबलपुर जिला प्रशासन और समस्त शासकीय संस्थाओं के द्वारा भी और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हमारे भाई रिंकू विस जी और हमारी दीदी, यहाँ पर हमारी दीदी मीरा दुबे जी हैं, दीदी ज्योति जैन जी हैं, दीदी पूनम प्रसाद जी हैं, डिम्पी जी हैं, सभी लोगों के साथ, मनीष दुबे जी, इन सब कार्यकर्ताओं के साथ आज। पर मुझे बड़ा आनंद हुआ कि आज इस घाट को देख करके इतना स्वच्छ ये घाट आज लग रहा है कि जैसे नर्मदा जी की हमारे ऊपर कृपा हो रही है और निरंतर बरसने वाली है। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस की सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद, नर्मदे हर। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर साप्ताहिक उत्सव कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन द्वारा मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी के सानिध्य संयोजन में नर्मदा जी में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है वृहद स्तर पर। निश्चित रूप से हम लोगों ने अभी प्रभात फेरी निकाली, लाड़ी लक्ष्मी का कार्यक्रम किया, कल रोजगार का कार्यक्रम करेंगे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारा मध्य प्रदेश का जो 1956 में जन्म हुआ था उसके हम कार्यक्रम को, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को समाज के हर क्षेत्र में जाके समाज के लोगों को लाभ दिलाते हुए कार्यक्रम करें। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।